अस्सलाम वालेकुम आल व्यूअर, कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। तो ये देखें जी, ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर है, 4x4। तो ये मेरे ख्याल में फीएट कंपनी का है शायद। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसका सारा सिस्टम, ये कटाई की है इसने। तो कटाई करते हुए भी आपको दिखाते हैं, वीडियो के साथ साथ रहना। ये इसके आगे वेट देखें, जो वेट लगाए हुए हैं, 2, 4, 2, 6, 6 बहुत वजनी है। और रंजीर भी रखे हुए हैं कि कोई मशीन वगैरह गाड़ी किधर फंस जाए तो उसको निकालने के लिए, क्योंकि ये 4x4 है, बहुत पावर है इसमें माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, तो ये पीछे मशीन लगाई हुई है जी काटने वाली, ये जो घास काटेगी। ये आप देख सकते हैं इसकी छुरियाँ, ये इसकी छुरियाँ देख सकते हैं आप। तो ये काटने के लिए ये पीछे वाला सिस्टम सारा इसका, ये शाफर लगी हुई है, शाफर लगा के ये देखें जी सारा इसका हाइड्रॉलिक सिस्टम पीछे। ये जो कटाई वाली है सादा है, ये भी हाइड्रॉलिक में है। देखे पैंप लगा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पर लगा हुआ है ये पैंप, बहुत पावरफुल है ये जी, 4x4 है और बड़ा ट्रैक्टर है। जैसे हमारे पाकिस्तान में वो 385 है, उसके साथ का ही है तकरीबन, लेकिन ये फीएट कंपनी का है मेरे ख्याल में। जो मेरे दोस्त जानते हैं ट्रैक्टर के बारे में, मालूमात रखते हैं, उनको पता होगा, वो देखकर भी बता देंगे कि ये फलां कंपनी का है। तो ये देखें पीछे, वीडियो के साथ साथ रहना, इंशाल्लाह कटाई होती हुई भी दिखाएंगे। ये देखें कैसा सिस्टम बनाया हुआ है, ये बेल्ट लगे हुए हैं जी, 4 बेल्ट लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये एक छोटी पुली है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो के साथ साथ रहना, आगे कटाई भी दिखाएंगे आपको, वहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा काट दिया है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये सारा काटा हुआ है,
साथ इसके अंदर फंस गया है, ये देख सकते हो। ये देखे जी अंदर फंस गए। कितना लंबा है ये आप देख सकते, प्लेटें लगी है, ये चलाएगा। ये बहुत बड़ा है इसलिए इसके अंदर फंस गया था, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, क्योंकि कटाई बहुत देर से कटाई नहीं की, इसलिए यहाँ पर पानी भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है, लंबा बहुत है, तो उसके अंदर फिर वो ये आप देख सकते हैं।